पार के पार पार जाए पहुँचा जीवत अखंड सुख पाया पतितन के सिर महामत मुकुट मणि जिन ये जुद जग में लखाया जिन ये जुद जग में लखाया दुखर प्यारो मेरे प्राण को प्रणाम सुंदर श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान अक्षरातीत परब्रह्म का आवेश महामती जी की आवाज में उनका अपना निजी दर्द प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं कि दुखरे प्यारो मेरे प्राण को। सामान्य रूप से इस दुनिया में दुख दिन तीन प्रकार के कहे जाते हैं, आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक और अधिभौतिक। तीन प्रकार के दुख कहे जाते हैं। आध्यात्मिक दुख यानी जो हमारे अंतस्करणों के द्वारा इंद्रियों के माध्यम से जो प्रकट होते हैं, कई प्रकार के अच्छे विचार प्रकट होते हैं, उसको सही तरीके से संपन्न नहीं कर पाते हैं तब भी दुख होता है। कई प्रकार के इंद्रियजन्य पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से जो हम नहीं चाहते हैं ऐसे विचार भी उत्पन्न हो जाते हैं जिसको हम परित्याग करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते हैं। ये है आध्यात्मिक दुख। अधिभौतिक दुख किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे में वार्तालाप करते हुए पारिवारिक व्यवहार में, सांसारिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में एक दूसरे के द्वारा किसी अन्य प्राणियों के द्वारा जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, अनुभूति होती है, जो हमारे मन के चाहत के अनुकूल नहीं होते हैं। और तीसरे प्रकार का दुख है अधिदैविक, जो दैविक प्रकोप के कारण मनुष्य को उत्पन्न होने वाले दुख, जैसे आंधी आ जाती है, हमारी दुनिया की सब व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर देती है, सुनामी आ जाता है, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, कहीं अति धूप काल पड़ जाती है, भूकंप हो जाता है, धरती उलट पुलट हो जाती है। इस प्रकार से जो मनुष्य के हृदय में दुख उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अधिदैविक, यानी दैविक प्रकोप के कारण बिजलियां इत्यादि गिरती है। तो ये तीनों प्रकार के दुख किसको होते हैं? चेतना के माध्यम से इंद्रियां अनुभव करती है, इस शरीर के ऊपर ये सारे दुख घटते हैं। और इससे परे कुछ ऐसे दुख हैं जो अंतस्करणों से संबंधित हैं। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी यदि हम अध्यात्म के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करके उस पर अनुसरण करके उन सारे संस्कारों को जब तक नहीं मिटा पाते तब तक सूक्ष्म शरीर तक या जब तक हमारा अंतस्करण जीव के साथ जुड़ा हुआ है, स्थूल शरीर के न रहने पर भी, जो इस जन्म में मात्र न होकर अन्य जन्मों में भी जीव को प्रभावित करता रहता है। लेकिन उससे परे एक दुख होता है जो आत्मा का दुख होता है। अब उस दुख को किन शब्दों में कहें जो महामती जी कहना चाहती हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को। जब महामती जी ने इस वाणी को कहा तो आत्मा के धरातल पर कहा। जब आत्मा के धरातल पर जिस वाणी को प्रस्तुत की जाती है, न तो वो किसी लिंग विशेष के लिए होता है, स्त्री के लिए भी नहीं, पुरुष के लिए भी नहीं, न किसी जाति विशेष के लिए होता है और न किसी प्रांत विशेष के लिए होता है। वो सबके अंदर बैठा हुआ जीव जिस
कि चेतना का प्रवाह इंद्रियों के माध्यम से या प्राणों के माध्यम से शरीर में संचालित होता है, उससे परे तो जीव है, और उससे भी परे जब आत्मा के धरातल पर जो वाणी कही जाती है, तो वहाँ सारे विषय इन सब लौकिक विषयों से परे हो जाते हैं। तो जिस दुख को महामती जी ने यहाँ व्यक्त किया है, कहती हैं, दुख हरे मेरे प्यारो प्राण को। यदि लौकिक दुख को ही महामती जी अपना सबसे सर्वप्रिय कहती तो किरंतन में चौपाई कभी न कहती, दुख सुख डारो आग में ये झूठी माया। दुख को तो हर कोई त्यागना चाहता है, लेकिन सुख को कोई त्यागना नहीं चाहता। लेकिन महामती जी कहती हैं, दुख को भी त्याग दीजिए और सुख को भी त्याग दीजिए, यानी भूल जाइए, दुख सुख डारो आग में। इन तीनों प्रकार के दुखों को और इन तीनों प्रकार के सुखों को, अनुकूल और प्रतिकूलताओं को भूल करके इससे ऊपर आप आत्मा के धरातल पर आइए कि मैं एक शुद्ध बुद्ध चेतन श्यामा जी ने अंग हूँ, सुंदर साथ, मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ। जब आत्मा स्वरूप अपने अंदर दुख को धारण करना चाहती है तो वो कौन सा दुख है, उस दुख को हम न किसी वेद शास्त्र उपनिषद या दुनिया की किसी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करें, उसको समझने के लिए सभी सुंदर साथ अपने अंतरात्मा की आवाज़ से और अपनी ही भाषा में समझने की कोशिश करें। जिसने इस दुख को अपनाया है, हम उनके पीछे चलें। सर्वप्रथम परमधाम की आत्माओं ने कालमाय के ब्रह्मांड में गमन किया, जागने के ब्रह्मांड में रू अल्लाह मिसल गाजिए मोमिन उतरे तब। श्यामा जी के साथ सभी ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ और सर्वप्रथम खोज की शुरुआत हुई है देवचंद्र जी की तरफ से हुई, और श्यामा जी ने उनके अंदर विराजमान हो करके उस दुख को अपनाया जिसकी व्याख्या महामती जी इस किरंतन की वाणी में करने जा रही है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जब 5 साल की अवस्था में ही उनके अंदर से ये आवाज़ आई कि मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से, इस सृष्टि को किसने रचना किया, और जिस तरह से दुनिया के लोग नश्वर होते जा रहे हैं, शरीर त्यागते जा रहे हैं, जो वृद्ध हैं वो शरीर त्याग रहे हैं, जो जवान हैं वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, जो वृद्ध हैं वो जरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन जो एक निरंतर रूप से परिवर्तन आ रहा है, जब ये अंत स्वरूप जैसे लोग शरीर त्यागते जा रहे हैं, इसी तरह से ब्रह्मांड की भी एक सीमित आयु है, जब ये भी समाप्त हो जाए तो मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा, किसने भेजा, वो कौन है, जिसको पाने की एक पीड़ा है। ये दुख वैसे जिन जीवों के ऊपर अध्यात्म का गहरा ज्ञान का प्रभाव पड़ गया है उनके अंदर भी आ सकता है, क्योंकि जब सतकाम ने अपनी माता से प्रश्न पूछना शुरू किया, किसी ने जवाब नहीं दिया, हर कोई उसको ये जवाब देते थे कि सतकाम तू पागल हो गया है, ये अनेकों प्रकार के प्रश्न तुम जो लेकर के आते हो, इसका क्या औचित्य है। माता से कहते हैं सतकाम कि मुझे बताइए कि ये मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देते, कहते हैं इनके पास उत्तर ही नहीं है। क्या उत्तर नहीं है तो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, नहीं होते। क्या उसका समाधान होता है, नहीं होता है। ये पीड़ा उसके अंदर थी जब उसने खोज करना प्रारंभ किया, लेकिन उस समय में तो परमधाम की आत्माएं संसार में थी नहीं, और जब उसके अंदर ये दुख उत्पन्न हो तो वो कौन सा दुख माने, और जो देवचंद्र जी के अंदर जो एक पीड़ा उत्पन्न हुई थी उसको कौन सा माने। जब ब्रह्म ज्ञान के अभाव में आत्मा स्वरूप और परब्रह्म के स्पष्ट ज्ञान के अभाव में जब चेतना इस प्रश्न का उत्तर खोजती है, तो एक चेतना के आधार पर तो होता है, लेकिन प्रकृति से परे के आधार में नहीं होता। लेकिन देवचंद्र जी को भी जब तक राजी नहीं मिले थे तब तक प्रकृति से परे का ज्ञान भले नहीं था, लेकिन उनके अंदर परमधाम की आत्मा श्यामा जी की सुरता विराजमान थी,
तो उनका विषय न तो इंद्रियजन्य विषय होगा न प्रकृति के अंदर का विषय होगा, क्योंकि सत्काम के अंदर जो जीव था वो कालमाय के ब्रह्मांड का था, श्यामाजी के अंदर जो आत्मा थी वो परमधाम की आत्मा, इन दोनों के विषय अलग अलग हैं। इसीलिए आत्मा के विषय मूलक होने के कारण जो श्यामाजी के अंदर देवचंद्र जी के अंदर जो दुख उत्पन्न हुआ, ये तीनों प्रकार के जो पूर्व वर्णित दुख के वर्णन हुए, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और ये तीनों प्रकार के दुखों से परे हैं। ये आत्मा का दुख है, उसके अंदर की पीड़ा है, उसके अंदर का विरह है, जिसको प्राप्त करने के लिए महामति जी सभी आत्माओं को आह्वान करते हुए कहती हैं कि इस दुनिया में सबसे प्रिय चीज़ क्या है। कहती हैं, दुख रे मेरो प्यारो प्राण को, प्राण से भी अधिक प्रिय मुझे ये दुख है। यदि संसारिक दुखी होते तो संसार के जितने भी दुखी लोग हैं ये सबसे पहले अध्यात्मवादी बन जाते। जितने भी जलचर प्राणी है जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, या थल में या अंतरिक्ष में कहीं भी निवास करने वाले प्राणी सबसे पहले आध्यात्मिक हो जाते। नहीं, अध्यात्म का वो दुख है जो इन तीनों प्रकार के दुखों से परे, जो अपनी आत्मा का पीड़ा उत्पन्न करते हैं और उसका निदान खोजते हैं। वो दुख जब जिसके अंदर आ जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो आत्मा अध्यात्म के पहली श्रेणी पर अपना पांव रखती है और वहाँ से खोज का कार्य शुरू होता है। तो आगे कहती हैं, दुख रे मेरो प्यारो प्राण को। प्राण शब्द है, प्राण किसको कहते हैं? शरीर में पांच प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, वयान और उदान। ये पांचों प्राण मनुष्य को जीवित रखते हैं। किसके आधार पर? जिस प्रकार ट्रांसफार्मर से बिजली प्रसारित की जाती है और अनेक रूपों में वो ऊर्जा काम करती है, जो हमें ऊर्जा देती है, प्रकाश देती है या अनेक प्रकार के साधनों को उत्पन्न करती है, उसी तरह से जीव की चेतना के माध्यम से हमारे शरीर के जो पांच प्राण है वो सक्रिय रहते हैं, जिससे हमारे पंचभौतिक शरीर को प्राण देते हैं, जीवन देते हैं, जीवित रखते हैं। और पांच उपप्राण हैं, नाग, कूर्म, क्रिंकल, देवदत्त और धनंजय, जिसके कारण, इन दसों प्राणों के कारण मनुष्य इस शरीर को जीवित रखता है या जीवित रहता है। लेकिन वो कौन सा प्राण है महामति जी जिनके लिए प्राण शब्द प्रयोग कर रही है? दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, इन दसों प्राणों में से कौन सा प्राण जो हमारे आत्मा के प्रियतम को हम क्या कहते हैं? प्राणनाथ, हमारे प्राणों का नाथ। और ये दसों प्राण जड़ पदार्थ है, इनमें स्वयं में चेतना नहीं है, इनको चेतना मिलती है जीव के माध्यम से, जिस तरह से हमारा अंतस्करण है उसी तरह से दसों प्राण है। लेकिन महामति जी किस प्राण को अपना प्राण करी? मेरे प्राण से भी प्रिय है। शब्द के जो अर्थ होते हैं, कोई शब्दार्थ होते हैं, कोई भावमूलक होते हैं, कोई भावार्थ होते हैं। तो महामति जी कहती हैं, मेरे प्राण से भी प्रिय जो मेरा दुख है वो ये है कि मैं जिस प्राणेश्वर परब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप को जानना चाहती हूँ उसके लिए दुख चाहिए। दुख शब्द विरह है, और वो विरह जब तक उत्पन्न नहीं होता तब तक मनुष्य के अंदर प्रवृत्ति नहीं होती। प्रवृत्ति यानी अपना स्वभाव, प्राकृतिक स्वभाव। स्वभाव दो तरीके से उत्पन्न होते हैं। एक अज्ञानता की अवस्था में मनुष्य जो अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर करता है, और दूसरा उन संस्कारों के ऊपर जब उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बुद्ध मिल जाता है तो उसके आधार पर जो मैं करता हूँ, मेरे विचार उत्पन्न होते हैं, वो पूर्णतः सही है या नहीं है, और जो नहीं है उसको परित्याग करने की जो चेष्टा करता है वो एक शुद्ध बुद्ध ज्ञान की अवस्था है। और उस समय जो उसके अंदर एक स्वभाव पैदा होता है, उस स्वभाव में चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। उदाहरण स्वरूप, दुर्योधन धर्म की सारी व्याख्याएं जानता था,
सब कुछ जानते हुए भी वो ये कहता था कि मैं धर्म में किसी तरह से प्रवृत्ति नहीं हो सकता, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जिसमें मेरी प्रवृत्ति है उससे मैं निवृत्त नहीं हो सकता, मैं कभी अधर्म को त्याग नहीं सकता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार उस पर इतने हावी थे, उसको शुद्ध बुद्ध ज्ञान मिलने के बाद में भी वो पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं हो सका और उसका जो पूर्व जन्म का स्वभाव है उस पर हावी था। उसी तरह से ज्ञान के आधार पर एक स्वभाव उत्पन्न होता है और उसमें जो प्राकृतिक रूप से उसका जो नेचुरल स्वभाव है उसमें अगर शुद्ध बुद्ध ज्ञान मिल जाए तो उसकी जो प्रवृत्ति होती है वो इन तीनों प्रकार से ऊपर की होती है। और महामती जी ने जिस प्राण की यहाँ व्याख्या की है, इन दसों प्राणों से परे, जैसे एक सुंदरी तंत्र ग्रंथ में कहा है कि प्राण कौन है, प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथोक्षरात पर ते नासो ही नाम ना प्राणनाथ, वो भी प्राणनाथ है। प्राणनाथ किसको कहते हैं, जो हमारे प्राणों का नाथ है। जब ये दसों प्राण जड़ है तो इसमें प्राण शब्द किसके लिए, अपने शुद्ध बुद्ध चेतन के लिए जो प्राण शब्द कहा है, मेरी आत्मा को भी जो प्रिय है उससे भी जो प्रिय है वो क्या है, मेरी आत्मा को चेतना प्रदान करने वाला, शुद्ध बुद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला, जागृति अवस्था को प्रदान करने वाला जो एक विरह का दुख है वो सबके अंदर उत्पन्न हो, वो सबका प्रिय है, वो एक बीज स्वरूप है जो आखिर में जाकर के फल देने के लिए एक वृक्ष के रूप में तैयार होता है। और हमें फल क्या देता है, जो आत्मा का विषय है उस विषय से उसको मिलन कराता है। इसीलिए महामती कहती है कि दुख हरे मेरो प्यारो प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, उसको किस तरह से छोड़ा जाए। जब किसी को पता चल जाए, जैसे एक लौकिक पदार्थ से भी किसी द्रव्य से उसका गुण अलग नहीं हो सकता, नमक है उससे खारापन दूर नहीं हो सकता, मिश्री है उससे मिठास दूर नहीं हो सकता, उसी तरह से हर पदार्थ से अपना गुण अलग नहीं हो सकता। तो आत्मा का भी एक गुण है, उसका भी एक विषय है, तो वो विषय उस पदार्थ से कभी अलग हो ही नहीं सकता। आपको या हमको उसे अलग करने की या जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बशर्त ये है कि उस पदार्थ को हम जान जाए। सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, अब वो मेरा गुण है, वो मेरा स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव है। जब आत्मा ने जान लिया कि मैं शरीर मन अंतस्करण इंद्रियों से प्रकृति के सभी पदार्थों से परे एक शुद्ध बुद्ध चेतन परात्मा की दृष्टि हूँ, और परात्म की दृष्टि जब इस संसार में एक मानव तन में पड़ गई, तो मैंने इस मानव शरीर को देखा जब तक अज्ञानता की अवस्था है, जब ज्ञान का प्रकाश मिल गया तो मैं एक आत्मा स्वरूप हूँ। जब मैं आत्मा स्वरूप हूँ तो आत्मा स्वरूप क्या है, पूर्व चर्चा में आपने सुना वाहिदत की दृष्टि में ब्रह्म के सारे गुण परात्म के हृदय में हैं, और उसी का प्रतिबिंब तो आत्मा स्वरूप है और आत्मा के अंदर वही गुण है। इसीलिए मैं अपने गुण कर्म और स्वभाव को कैसे परित्याग कर सकूं। जो मैं लियो है बुलाए, अब जिसको मैंने जान लिया और जानने के बाद में बुलाया सब तो यहाँ प्रस्तुत किया है, लेकिन किसी द्रव्य में उसके गुण बुलाए नहीं जाते, उसमें प्रकट होते हैं, सुगंध अपने आप फैलने लगती, बिखरने लगती है। उसी तरह से मेरी आत्मा ने जो प्रारंभिक अवस्था में जब तक मुझे अपने प्रियतम नहीं मिलते तब तक इसने अपना स्वभाव प्रस्तुत किया है, अब मैं नहीं इसको छोड़ सकती। जिसको बुलाने का तात्पर्य है, मैं इसको स्वयं चाहती थी कि मैं उस मंजिल तक पहुंच सकूं। इन अवसर दुख पाइए, अवसर शब्द यहाँ प्रयोग किया गया है। अवसर किसको कहते हैं, पुराणों में एक कथा आती है, कथा नहीं एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक अंधा मनुष्य है, वो ऐसे एक गोल चक्कर में फंस जाता है जिसकी सारी दीवारें, चारों तरफ दीवारें होती हैं और एक दरवाज़ा होता है खुला, बाकी सारे ही दरवाजे बंद होते हैं। उसकी आँखों में दृष्टि नहीं होती, और जब
स्पर्श के माध्यम से वो दरवाजे को खोजता है, दीवार को हाथ लगा लगा करके चलता है। संजोग बस जब दरवाजे के सामने पहुंचता है तो उसको खुजली उठती है, जब खुजाने लगता है तो दरवाज़ा पार हो जाता है, फिर दोबारा चक्र काटने लगता है। ये है संसार का चक्र। खुजली क्या है? ये विषय हमें संसार की ओर खींचते हैं। दृष्टि नहीं है, वो अज्ञानता है। और संसार से जो बाहर निकलने का जो रास्ता नहीं है, संसार में तीन प्रकार की भक्ति कही जाती है, साकार भक्ति और निराकार भक्ति, दो प्रकार की भक्ति कही जाती है। साकार भक्ति में मूर्ति पूजक और निराकार भक्ति में ब्रह्म को निराकार स्वरूप मानते हैं। लेकिन किसके अंदर मानते हैं? निराकार स्वरूप हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी के प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो 8 चक्र होते हैं उसी का प्रकाश देख करके सोचते हैं कि ये ब्रह्म का स्वरूप का प्रकाश है, यानी इस पिंड और ब्रह्मांड के अंदर ही। और जिसने कुछ यथार्थों को समझने की कोशिश की और समझा, वो निराकार से परे हैं। लेकिन है कैसा? अब परे हैं तो उसकी व्याख्या कीजिए। और किस तत्व का है जो इस प्रकृति से परे है, ये बहुत भारी प्रश्न है। इन प्रश्नों को जब तक उत्तर नहीं मिलता तो साकार और निराकार भक्ति से परे निकलना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जब तारतम ज्ञान का प्रकाश हो तो इससे परे निकलने का माध्यम है। तो जब ज्ञान का प्रकाश हो, इस ज्ञान के प्रकाश के अवसर पर जब हम आए, तो इस अवसर को महामति जी ने जैसे ही अपने स्वरूप को हरिद्वार में प्रकट किया, दिल्ली में प्रकट किया, उसके बाद में उन सत्यवादियों को आह्वान किया, चेतो सबे सतवादियों, सुनियो सतगुरु मुखवान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परवान। वो समय आ गया, सारे सतवादी हरिश्चंद, दधीची, सगल, मोरध्वज और धर्म के स्वरूप युधिष्ठिर और न जाने कुछ दृष्टांत दिए, और ऐसे न जाने कितने सत्यवादी थे जिन्होंने ये दिन को मांगा था कि जब ब्रह्मात्माओं का आगमन हो, परब्रह्म सच्चिदानंद का आगमन हो और ये दिव्य वाणी इस दुनिया में आए, तो उस दिव्य वाणी के प्रकाश में हम भी उस सत्य को जाने, हम भी अपने आत्मा स्वरूप को जाने, जिससे कर्म के बंधन से तो दुनिया में कई सारे मुक्त हुए, लेकिन प्रकृति के बंधन से जो मुक्त नहीं हो पाए थे, हम उस प्रकृति के बंधन से मुक्त होकर के उस परम सत्य को जाने, वो अवसर आया है। और उस अवसर को महामति जी ने इस चौपाई में कहा, और कहा चाहिए है तो है। जब ऐसा सुंदर अवसर आपको मिला है, इस अवसर पर आप स्वयं को भी जान सकते हैं, असत्य को भी जान सकते हैं और सत्य को भी जान सकते हैं, और केवल जान ही नहीं सकते। देवचंद्र जी ने उस परम सत्य को प्राप्त किया और पिया की अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन। तीन बार तक उनको साक्षात्कार इन आँखों से देखा, और केवल अपनी आँखों से ही नहीं देखा, अचरा पकड़ पियो दिखलाओ सी, और ब्रह्मात्माओं को भी दिखाया। और जिन्होंने देखने की चेष्टा नहीं की या देखने का सामर्थ्य नहीं था, उनको ये बता दिया, आड़ी का लीला जब होती थी, प्रत्यक्ष रूप से नंगी आँखों से सद्गुरु के रूप में जब श्री कृष्ण जी को देखा जा सकता था, तो हमारी आत्मा की दृष्टि युगल स्वरूप को क्यों नहीं देख सकती? ये प्रश्न उत्पन्न करना और इस प्रश्न का निदान इस आड़ी का लीला से किया। और सुंदर साथ केवल इसमें सीमित न रहे, इसीलिए आगे कह दिया, धाम की नींद कही सो तारतम। और तुम्हें जो तारतम वाणी दिया है, तारतम वाणी जो निर्देशन करती है, और इसको प्रत्यक्ष एक घटना से सुंदर साथ को सावचेत करा दिया कि यदि दिल्ली के अंदर लच्छीदास जी के साथ जो घटना हो सकती है, साक्षात धाम धनी ने उनको दर्शन दे करके कहा था कि 8वें दिन में तुमसे जागरण लीला होगी, और नहीं हुई। ताकि ब्रह्मवाणी के अंदर मेरी आवाज है, मेरा स्वरूप है, मेरा ज्ञान मय स्वरूप है, मैंने जो तारतम वाणी में कह दिया वो अक्षराक्ष सत्य है और वही परिपूर्ण होगा। 5वें दिन में मैंने जो महामति जी को जो शोभा दी है, अन्य सुंदर साथ उनके पीछे चल करके उस अभियान को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन महामति कोई नहीं बन सकता। ये तारतम वाणी से उन्होंने प्रकाशित किया।
इस घटना से सब सुंदर साथ को सावचेत कराया कि देखो तारतम वाणी में मैंने जो लिखा है उस पर यदि जो विश्वास लाएगा, विश्वास करी ने दौड़ सी जे है तारतम का फल ले सीते है, वही तारतम का फल लेगा। ऐसा सुंदर अवसर है जिस अवसर पर हम यहाँ मानवतन लिए हुए हैं, जिसको देवी देवता स्वयं पाना चाहते थे, जिसको पीर पैगंबर अवतार स्वयं पाना चाहते थे और सत्यवादी जिसको पाना चाहते थे, वो समय आया है। तो ब्रह्म मुनियों के लिए अपने धाम धनी को रिझाने कहे जागनी के प्रकाश में बहुत सर्वोत्तम समय प्राप्त हुआ है। दुख बिना चरण कमल को, दुख बिना चरण कमल को, और उस दुख को अपनाए बिना चरण कमल को, धनी के चरण कमल कभी प्राप्त नहीं होते। तारतम ज्ञान प्राप्त करने का मकसद क्या होता है? सबसे पहले हमारी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान स्थापित हो, जिस ज्ञान के स्थापित होने पर मनुष्य सत और असत को जाने और उस सत का आचरण करने का प्रयास करे, और उस आचरण को करते करते एक दिन उस मंजिल तक पहुँचे जिस दिन अंतरात्मा से ये आवाज़ निकले कि मैं जिसको पाना चाहता था, जिनके चरण कमल को पाना चाहता था, दीदार करना चाहता था, उनके चरण कमल मुझे ज्ञान दृष्टि से भी मिले, आत्मा की दृष्टि में भी मिले, और मैंने प्रत्यक्ष धाम धनी की कृपा से इन चरण कमलों का दीदार किया। और ऐसा हो सकता है इसको प्रमाणित करने के लिए सद्गुरु ने अपने समय में सुंदर साथ को चितवनी कराई, उस समय अनुभव कराए, और हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने बंगला जी दरबार में बैठ करके और गुम्मट जी के ब्रह्म चौतरा में बैठ करके उन ब्रह्मात्माओं को कराया जिन्होंने इस पंचभौतिक शरीर के रहते रहते यहाँ रह करके उस परम पद को प्राप्त किया, उन चरण कमल को प्राप्त किया। और आने वाले इस जागनी ब्रह्मांड में आने वाले इन सुंदर साथ को आवाहन करते हुए उन्होंने कहा, दुख बिना चरण कमल को, इस अवस्था को प्राप्त हुए बिना धनी के चरण कमल को सखी कभू न मिलिया कोई। भले तुम परम धाम की आत्मा हो, अंकुर है, कदी सौ बरस रहो साथ मिने, धनी अनुभव करो सौ बेर, मूल अंकुर दया बिना। ऐसा नहीं कि धाम धनी किसी के ऊपर दया करते हैं और किसी के ऊपर दया नहीं करते, दया सबके ऊपर करते हैं, बरसात सबके ऊपर हो रही, लेकिन हमारे पात्र का मुँह कितना बड़ा है और पात्र को हमने किस तरह से स्थापित किया है। करनी माफक कृपा, जिस प्रकार की हमारी करनी होगी उसी के अनुसार कृपा होगी। धनी सब पर कृपा करते हैं, वो चाह करके भी किसी ब्रह्मात्माओं से अपनी कृपा से अलग करें ऐसा संभव नहीं है। बरसात हो रही है और कोई ना भीगे ऐसा संभव नहीं, लेकिन हम बरसात से सुरक्षित होने के लिए छतरी के नीचे आते हैं तो बादलों की और बरसात की कोई दोष नहीं होती। जिन सुख पियू जी ना मिले, और जिन सुखों से, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, इंद्रियजन्य सुख और प्रकृति जन्य सुखों से जो धनी नहीं मिलते हैं, उन दुख का मैंने, सुख का मैंने पूर्णतः परित्याग किया। और सुंदर साथ के लिए भी मैं ऐसा ही आह्वान करती हूँ, सो सुख देवरे जला, उन सुखों को मैं जला देती हूँ जो सुख मुझे अपने बस में ला करके मुझे जलाना चाहते हैं, संसार के दुखों में जलाना चाहते हैं, उनको मैं पूर्णतः परित्याग करना चाहती हूँ। जिन दुख मेरा पियू मिले, और जिस सुख से मेरे पियू जी मिलते हैं, मेरे आत्मस्वरूप की मुझे पहचान होती है और धनी की पहचान हो करके वो प्रत्यक्ष रूप से मुझे साक्षात्कार होते हैं, तो उस दुख को मैं बार बार अपनाना चाहती हूँ। मैं सो दुख ले बुलाए, और उसी दुख को मैं बुलाती हूँ, और उन्होंने बुला करके उस अवस्था में पहुँच करके सुंदर साथ के सुख कामना के लिए, सुंदर साथ की इच्छा पूर्ति के लिए उनको एक मार्गदर्शन किया। इसीलिए ये प्रकरण में ये चौपाई हमें बहुत कुछ दे जा रही है। हम अपनी अंतरात्मा में इन वाक्यों का स्मरण करें, पुनरावृत्ति करें, और इस पर मंथन करके हम भी उस मार्ग पर चलने का अभ्यास करें जिन मार्ग पर चल करके हमारे परमहंस ब्रह्मुनि, हमारे हादी ने जिस पद को प्राप्त किया है, वही पद ब्रह्मात्माओं को
भी वही अधिकार धाम धनी ने प्रदान किया। ऐसा सुंदर अवसर हम अपने हाथों से जाने न दें। इन्हीं शब्दों के साथ में सबको प्रेम प्रणाम। चौपाई दोहराएंगे। जिन सुख पियूजी ना मिले, जिन सुख पियूजी ना मिले, सो सुख देउरे जलाए, सो सुख देउरे जलाए, जिन दुख मेरा पियू मिले, जिन दुख मेरा पियूजी मिले, मैं सो दुख लेऊं बुलाए, मैं सो दुख लेऊं बुलाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की।